आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, आप सभी को नमन करता हूँ, मेवाड़ की जनता को नमन करता हूँ, मेवाड़ के राजा एकलिंग बाबा को नमन करता हूँ कि पूरा आशीर्वाद मिला पूरे क्षेत्र से। और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, जो नेतागण हैं, पूरा प्रबंधन की टीम है, राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी को प्रणाम करते हुए कहूंगा कि एक नया अवसर है इस जीत के बाद कुछ विषयों को आगे बढ़ाना क्षेत्र के विकास के लिए। जैसे जी प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है उसमें शामिल होकर विषयों को, क्षेत्र की समस्याओं को समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे विषय है, मुझे लगता है कि पहला विषय तो पानी का है, कैसे जल संरक्षण हो और जो जलाशय खाली हैं उनको कैसे आपस में जोड़ें, और जो पानी बह के समुद्र की तरफ चला जाता है कैसे उनको आपस में कनेक्ट करके सभी को बारामासी इसमें जल संरक्षण करते हुए क्षेत्र को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, जेजे हमको कैसे धरातल पर उतारे। दूसरे भी विकास की योजना है, वन से संबंधित जितनी योजना है सरकार की, बहुत सारी योजना है, कुछ एक्ट की बातें हैं उनको भी रोजगार सृजन के लिए, लोगों को ताकत देने के लिए, आजीविका बढ़ाने के लिए कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके विषय को आगे बढ़ाएंगे। चुनावी दौर में आपका एक भजन बहुत सुर्खियों में रहा, आज आपने जीत हासिल कर ली, एक समय में एक छोटा सा भजन हो जाए। नहीं, भजन तो ये है कि आपने अस्मिता है, शाम के टाइम में दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, शाम को बैठ के कुछ गा कर लेते हैं, तो ये अपना एक खुद का ही एक पद्धति है, वो चलती रहती है और ये पूरे मेवाड़ में सब जगह पे है। हाँ, ये ठीक है कि शायद मैंने बोल दिया हो इस कारण ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन ये हम सभी का जो कॉमन एक स्वभाव है, तो मुझे लगता है कि जो हम कह रहे थे प्रभु श्री राम को समर्पित एक गीत है जिसको सबके सामने रखा था, ये आवे जननी राम राम, जावे जननी राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, गेला भी मिल जो राम राम। और अब तो जीत हो गई है, बात हो गई है, परिणाम आ गए हैं, आप सभी का आशीर्वाद मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, तो आगे एक पद और कह सकते हैं, दिल्ली में मिल जो राम राम, आप सभी को प्रणाम। दो अहम मुद्दे थे, एक पासपोर्ट कार्यालय और दूसरा हाईकोर्ट बेंच की, इसके बारे में आपने देखा होगा कि हमने जब हमारी 25 प्राथमिकता जनता के सामने रखी थी उसमें ये दोनों मुद्दे थे, इन दोनों विषयों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कहाँ कितना काम करना है ये सारे सर आगे वाले कालखंड में निर्भर करेगा।